गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 1, मदर टू सन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द वर्ड्स टू नो एंड एट द एंड ऑफ दिस पोएम यू हैव टू लर्न दिस वर्ड्स मीनिंग. आ क्लाइंबिंग. आ क्लाइंबिंग मीन्स क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ना. आंट. इनफॉर्मल हैज नॉट, ऑल्सो अ कंस्ट्रक्शन ऑफ एम नॉट. क्रिस्टल. आ हाई क्वालिटी और क्लियर और कलरलेस ग्लास. हनी. हियर अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट और डियर स्वीटी डार्लिंग. आइज. अ नॉन स्टैंडर्ड वे ऑफ सेइंग आई हैव. This is the short form of I have. Kinder. Kinder means kind of. Landings. Landings means landings, the flat area without steps. Set down. It means sit down. Splinters. Sharp. Tacks. Short nails with a flat head. Used for holding down a carpet, for example. Now we will start the reading of this poem. Well, son, I'll tell you. Life for me aren't been no crystal stair. अच्छा बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ. अब इस पोएम में एक माँ जो है वो अपने बच्चे से मुखातिब है और वो उसको अपनी पूरी लाइफ के बारे में बता रही है कि उसने अपनी लाइफ में कौन कौन सी हार्डशिप्स, कौन कौन से जो सख्तियाँ जो थी, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो थे, वो उसने अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त किए हैं अपने रिलेशंस में. सो वो अपने बेटे को इस बारे में बताती है कि बेटा, कि जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी में सख्तियां बर्दाश्त की, इस तरह तुम जो है वो भी इन सख्तियों का मुकाबला करना. अपनी लाइफ की जो हार्डशिप्स आएंगी, जो आपकी जो होपलेसनेस होगी या आपके जो इस तरह के रिलेशंस आ जाते हैं जिनमें आप उनका सामना नहीं कर पाते, तो यू हैव टू फेस दैम, यू हैव टू फेस इट. तो वो कहती है, लाइफ फॉर मी आंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, कि मेरे लिए ज़िंदगी जो थी वो एक क्रिस्टल स्टेयर यानी शफाफ सीढ़ियों की मानद नहीं थी. इट्स हैड टैक्स इन इट, उसमें बहुत सारे टैक्स मीन्स कील. लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग है वो है कि हार्डशिप्स ऑफ रिलेशंस के, यानी जो रिश्तों में सख्तियाँ होती हैं. वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो रिश्ते थे उनमें बहुत सारी सख्तियाँ थी, यानी हार्डशिप्स ऑफ रिलेशंस थे, यानी टैक्स थे. एंड स्प्लिंटर्स. स्प्लिंटर्स का जो मीनिंग है वो है फांस, ठीक है, लेकिन इसका भी मीनिंग वही होगा, हार्डशिप्स. एंड बोर्ड्स टोन अप, और जो उसके तख्ते थे वो कटे फटे थे. अब तख्ते कटे फटे का मतलब ये नहीं है कि जो उसका फ़र्श था या तख्ते थे वो कटे फटे थे. इसका मतलब है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, यानी कुछ ऐसे इवेंट्स आए थे उसके ज़िंदगी में जो कि जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था. एंड प्लेसेस विथ नो कारपेट ऑन द फ्लोर, और जो फ़र्श था उस पर कोई कारपेट नहीं था, मीन्स उसमें वो हेल्पलेस सिचुएशन थी कि जिसमें वो हालात जो थे वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे उसके लिए. बेयर. बेयर मीन्स बेगलाफ, बिल्कुल नंगी थी. बट ऑल द टाइम. बेगलाफ मीन्स कि जो फर्श था वो विदाउट कारपेट था, उस पर कुछ भी नहीं बिछा हुआ था. बट ऑल द टाइम, लेकिन सारा वक्त. आइज बीन आ क्लाइंबिंग ऑन, कि आइज का मतलब हमने ऊपर ऑलरेडी हमने ये मीनिंग पढ़ा है. यहाँ पर आइज कि इसका मतलब है आई हैव, ठीक है, तो यहाँ पर भी होगा आइज बीन आ क्लाइंबिंग, लेकिन फिर भी मैं उस पर चढ़ती गई यानी प्रोग्रेस करती गई. एंड रीचिंग लैंडिंग्स, और रीचिंग
लैंडिंग्स और जो फ्लैट एरियाज थे उन पर आगे की तरफ जाने बढ़ती गई एंड टर्निंग कॉर्नर्स और मोड़ जो थी वो मुड़ती रही, ठीक है, एंड समटाइम्स गोइंग इन अ डार्क, लेकिन समटाइम्स जब मैं एक अंधेरे की जानिब जाती रही, यानी मुझे अंधेरा नज़र आता था यानी मैं अंधेरे बाज़ वक़्त अंधेरे में जाती रही हूँ, वेयर देयर आंट बीन नो लाइट, जहाँ कोई रोशनी ना थी, यानी बिल्कुल हेल्पलेसनेस थी, होपलेसनेस थी, बिल्कुल कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी मुझे, कोई रोशनी नज़र नहीं आती थी। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, और यहाँ पर वो अपने बेटे को कहती है कि बेटा तुम भी कभी वापस मत मुड़ना, ठीक है, पीछे मुड़कर मत देखना, डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, तुम उन स्टेप्स पर जो स्टेप्स जो कटे फटे आएंगे या बोर्ड जो आएंगे तुम उन पर कभी बैठ मत जाना, कॉज मीन्स बिकॉज यू फाइंड्स इट्स काइंडर हार्ड, तुम सीढ़ियों पर बैठ नहीं जाना क्योंकि तुम्हें ये काम कुछ मुश्किल मालूम होता है, डोंट यू फॉल नाउ, गिरना मत, फॉर आई हैव स्टिल गोइंग हनी, क्योंकि मैं अब भी चल रही हूँ मेरे प्यारे बेटे, हनी मीन्स डियर, कि वो कह रही है कि मेरे प्यारे बेटे मैं अब भी उन्हीं पर चल रही हूँ, उन्हीं सीढ़ियों पर, उन्हीं स्टेप्स पर चल रही हूँ और उनका मुकाबला कर रही हूँ, आई स्टिल क्लाइंबिंग, मैं अब भी ऊपर चढ़ रही हूँ, ऊपर आगे की जानिब बढ़ रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं भी पीछे मुड़कर नहीं देखती, एंड लाइफ फॉर मी आंट बी नो क्रिस्टल स्टेयर, और मेरे लिए लाइफ जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल स्टेयर्स की मानित नहीं है, ठीक है, वो मतलब शफाफ सीढ़ियों की मानित नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं, सख्तियाँ हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाती हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे और फ्लैट एरिया था, बिल्कुल होपलेसनेस थी, हेल्पलेसनेस सिचुएशंस थी, लेकिन फिर भी उनका मैंने डटकर मुकाबला किया, और मैं तुमसे भी यही गुजारिश करती हूँ, तुमसे भी यही कहती हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे की जानिब बढ़ना, ठीक है, और पीछे मुड़कर मत देखना। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एंड दिस स्टोरी, हम ये पोएम जो है वो ख़त्म कर चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू मूव अबाउट द पोएट लैंगस्टन हगिस। इस पोएम को किसने लिखा है, लैंगस्टन हगिस ने, जो कि एक अमेरिकन नॉवलिस्ट था और एक प्ले राइटर था, ड्रामा निगार था और अफसाना निगार था, शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब एक अफसाना निगार था, ठीक है, और इसने जो है वो हगिस ने अखबारात के लिए कॉलम लिखे और गालिबन अपनी शायरी के लिए सबसे ज़्यादा मारूफ था, और इसमें सुर मेल ताल और बर्जस्तगी पर मबनी थी इसकी शायरी, राइम्स एंड इम्प्रोविजन और एंड विच एम्प्लॉयज़ द यूज़ ऑफ रैपिटिव फ्रेजेस जस्ट लाइक जैज़ म्यूज़िक, और इसका जो म्यूज़िक था वो बिल्कुल एक जैज़ म्यूज़िक की तरह होता था जिसमें वो बार बार दोहराते थे एक ही चीज़ को, ठीक है। दो थ्रू द हिज अपलिफ्टिंग पोएम्स हगिस विश टू शो दैट हिज पीपल African Americans were valuable and had much to offer the country, और ये अपनी वलवला अंगेज़ नज़मों के ज़रिए इसने ये दिखाना चाहता था कि उनकी जो कौम है, चूँकि वो ख़ुद एक हबशी था इसलिए वो स्याफ़ाम यानी एक हबशी जो African Americans थे उनकी कदर जो थी वो उसके हामिल, उनको मतलब एक कदर दिलाना चाहता था और मुल्क को देने के लिए उनके पास के वो दिखाना चाहता था कि मुल्क को देने के लिए उन अफ्रीकन अमेरिकन्स के पास बहुत कुछ है, मतलब वो भी कुछ कर सकते हैं। इन दिस पोएम हगिस पुट हिमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ अ मदर, के इस पोएम में उसने अपने आप को एक माँ की जगह रखते हुए स्पीकिंग टू हर सन और अपने बेटे से मुखातिब होता है विद वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, एक हौसला अफजाई के अल्फाज के साथ। This poem or the poem was written in 1922 और ये poem जो थी वो 1922 में लिखी गई थी। Now students we have done this poem and you have to learn words meaning and the summary of the poem and it will
you can take this summary from school, or you can take this summary from Facebook. Okay, thank you so much. I hope you have to learn this, or you have to learn this summary also. And I hope कि आपको इसकी पूरी तरह से समझ भी पहुंच की आ चुकी होगी. थैंक यू सो मच.